प्लांटेड एक्वेरियम और फिश ओनली एक्वेरियम दोनों का ही टेम्परेचर समर डेज में कैसे मेंटेन रखें पार्ट टू। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने फिश ओनली एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन रख सको, लेकिन आज मैं आपको पूरे मेथड्स बताऊंगा जो कि बहुत इजी है, लेकिन वो सब प्लांटेड एक्वेरियम के लिए के ऊपर ही लागू होते हैं, और कल जो मैंने बताए थे वो सिर्फ और सिर्फ फिश ओनली एक्वेरियम के ऊपर ही लागू होते हैं। कल के वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में है तो प्लीज़ चेक कर लेना। देखिए, अगर आपके पास फिश ओनली एक्वेरियम है तो आप उसमें थोड़े से एयरस्टोन्स लगा सकते हो, जैसे 2-3, उससे ही वाटर एजिटेशन हो जाएगा। ये सबसे इजी स्टेप है। वाटर एजिटेशन का मतलब भी मैंने कल के वीडियो में बताया था। प्लांटेड एक्वेरियम के लिए तो सिर्फ एक ही मेथड है कि आप एक फ़ैन यूज़ कर लीजिए। एक्वेरियम के लिए भी फ़ैन आता है, कूलिंग फैंस, वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर में जो फ़ैन होता है ना वैसा एक खरीद के ला लीजिए, सीपीयू में वगैरह जो होता है वो भी आप लगा सकते हो। सबसे फ्री और ईजीएस्ट मेथड है सब्सक्राइब का बटन, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फिश रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।